वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसवी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए यूटेरिया का करेंट अफेयर का बुक स्टार्ट किया जा रहा है आज से। इसमें टोटल 15 सेट दिए गए हैं। हर एक सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करेंट अफेयर दिए गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को किसी भी एक ग्रुप में शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बीवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपना प्यारा भारत देश को। अगला प्रश्न देखते हैं, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो दोस्तों वह देश है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश ने। अगला प्रश्न है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर से शिरडी तक। अगला प्रश्न है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों की पहली राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में शामिल देश हैं भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों वह संस्था का नाम है DRDO। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है?
अग्निपद का संबंध है सेना में युवाओं की भर्ती से। अगला प्रश्न है, मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बने हैं गुरु नायडू सेनापति। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला दिया गया है रवात फातिमा, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है हमजा अब्दी बरे, सोमालिया के प्रधानमंत्री, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है चो सुल हुई, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक में दिया गया है इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। कथन दो में दिया गया है भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो दोस्तों वह वैक्सीन का नाम है एनोकोवैक्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए गोवा राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम के लिए दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनन को मिमी फिल्म के लिए दिया गया था, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को घोषित किया गया है, यह भी सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। अगला प्रश्न है, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के सभी सही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, पहला है ग्लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टापन को दिया गया है। ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब एलन
थॉमसन हेरा को दिया गया है। लॉरियल टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया गया है हरियाणा के पंचकुला में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों कथन सही दिए गए हैं। पहला है सुजय लाल थाओसे, जो कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। अगला है जूली फक्कर हसन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। बलराम बैगेज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2022 का खिताब जीता है गुजरात टाइटंस ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां शुरू की गई है? भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा शुरू की गई है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIM अहमदाबाद ने। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपना प्यारा भारत देश ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखी गई है केवल एक पृथ्वी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है कि मेघ ईए परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े
जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के सभी सही दिए गए हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, 24वां डेफलिंपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, दृष्टि बाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल आज किस शहर में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है हरियाणा राज्य ने। अगला प्रश्न है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी गुकेश ने। अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। अगला प्रश्न है, पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया है आगरा। थैंक यू।